नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो किड्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड एलकेजी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट कर्सिव स्मॉल। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स। हेलो किड्स, स्टैंडर्ड एलकेजी सब्जेक्ट कर्सिव स्मॉल। आज का हमारा सब्जेक्ट है कर्सिव स्मॉल। आज हम कर्सिव स्मॉल में सीखने वाले हैं पैटर्न्स। तो पहले प्रेस एंड कंप्लीट द पैटर्न्स। पहले हम पैटर्न्स को प्रेस करेंगे, फिर बाद में उसको अपने आप ही पैटर्न को टू लाइन में बनाएंगे। तो हमें पैटर्न सिर्फ दो ब्लू लाइन में ही बनानी है। फर्स्ट लाइन रेड लाइन है, सेकंड दो मिडल में लाइन है वो सेकंड एंड थर्ड वो ब्लू लाइन है और लास्ट में फिर से रेड लाइन है। तो हमें सिर्फ दो ब्लू लाइन पैटर्न को बनाना है। तो पहले हम पैटर्न को ट्रेस करेंगे, फिर बाद में उसको यहाँ पर फिर से दो ब्लू लाइन में बनाएंगे। तो पहले हम ब्लू लाइन में ही इस तरह से ट्रेस करेंगे, इस तरह से हम अप जाएंगे, फिर इस तरह से सर्कल की तरह पैटर्न बनाएंगे, फिर से अप जाएंगे, फिर से इस तरह से सर्कल की तरह पैटर्न बनाते हुए इस तरह से हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। करना है फिर से हमें पहले इस तरफ की हम पैटर्न को पहले कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हमें नीचे से लेकर ऊपर तक यानी कि अप जाना है, फिर से सर्कल इस तरह से लेना है, फिर से अप जाना है, फिर डाउन, फिर सर्कल की तरफ फिर से अप जाना है, फिर से डाउन और सर्कल और फिर से अप, इस तरह से हमें बनाना है। फिर से वैसे ही करेंगे, अप जाएंगे, फिर डाउन यू की तरह, फिर सर्कल लेकर फिर से हमें अप जाके डाउन जाना है, फिर से इस तरह से सर्कल लेना है, फिर से यू की तरह पैटर्न बना के सर्कल की तरह से इस तरह से हमें पैटर्न कंप्लीट करनी है। इस तरह से ही हम यहाँ पर भी ड्रेसिंग को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखो, ये हो गई हमारी ड्रेसिंग कंप्लीट। तो पहले यहाँ पर हमने ड्रेस कंप्लीट कर लिया, फिर दो ब्लू लाइन में ही हमें इस तरह से पैटर्न को कंप्लीट करनी है। तो ये पैटर्न किस तरह से है, उल्टा यू जैसे है, हम यू ऐसे बनाते हैं, ये उल्टा यू की तरह पैटर्न है। तो हमें इस तरह से बनाना है, ऐसे उल्टा यू, फिर से उल्टा यू सर्कल, फिर से उल्टा यू सर्कल और यू, इस तरह से बन गया है। ये तरह की कर्व लाइन जैसे कि बनता है, हम जैसे कर्व लाइन इस तरफ करते हैं वैसे ही ये कर्व लाइन की जैसे बनता है। तो पहले हम इस तरफ की पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर से हमें इस तरह से ही बनाना है, अब जाकर डाउन, फिर सर्कल, फिर से अब जाकर डाउन, फिर सर्कल, अब जाके डाउन और फिर सर्कल करके हमें फिर से डाउन जाना है। वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है, अब जाकर डाउन, फिर सर्कल, अब जाकर डाउन, फिर सर्कल, अब जाकर डाउन, फिर सर्कल, इस तरह से हो गया। फिर हमें यहाँ पर भी वैसे ही कंप्लीट करना है, इस तरह से अब जाकर डाउन, उल्टा यू की तरह, फिर सर्कल, फिर डाउन, फिर सर्कल लेकर इस तरह से फिर से यहाँ पर सर्कल लेकर डाउन जाना है ऐसे। फिर यहाँ पर दो ब्लू लाइन में वैसे ही हमें पैटर्न को कंप्लीट करनी है, उल्टा यू की तरह, फिर सर्कल से लेकर अप जाकर डाउन जाकर फिर से सर्कल करना है, फिर से इस तरह से हमें पैटर्न को कंप्लीट करनी है। फिर से यहाँ पर उल्टा यू की तरह, फिर सर्कल, फिर से डाउन जाकर फिर से सर्कल लेकर फिर से डाउन जाकर फिर से सर्कल, इस तरह से बनाना है। फिर यहाँ पर वैसे ही करना है, ऐसे डाउन जाकर फिर से सर्कल, अप जाकर डाउन जाकर फिर से सर्कल, अप से लेकर डाउन तक फिर से सर्कल बनाकर ऊपर की ओर जाना है इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर वैसे ही बनाएंगे।
उल्टा यू, फिर सर्कल, फिर से उल्टा यू, फिर से सर्कल। इस तरह से हमें ये पैटर्न कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पर पहले हम करेंगे ट्रेस। तो ये यू की तरह ही है, देखो यू। फिर हमें थोड़ा सा नीचे खींचा कर फिर से यू बनाना है, फिर से इस तरह की पैटर्न बनानी है और फिर से यू बनाना है। यहाँ पर भी हम पहले ट्रेस कंप्लीट करेंगे इस तरह से। पहले हम ट्रेसिंग को कंप्लीट करेंगे, फिर से यू बनाएंगे। यहाँ पर भी यू जैसे पैटर्न बनाएंगे इस तरह से। देखो बन गई, ट्रेस कंप्लीट हो गया हमारा। फिर से यहाँ पर हम ट्रेस कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखो ये हमारा ड्रेसिंग कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर ड्रेस नहीं है, यहाँ पर अपने आप ही यहाँ पर पैटर्न को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? पहले यू बनाना है, फिर वहीं से हमें इस तरह से थोड़ा सा कर्व लेना है, फिर से यू बनाना है, फिर से थोड़ी कर्व बनानी है और फिर से यू बनाना है। इस तरह से हम बनाएंगे। फिर से यू बनाना है, फिर कर्व थोड़ा लेकर उसको जॉइंट करके ही हमें दूसरा यू बनाना है, फिर से कर्व जॉइंट होकर हमें तीसरा यू बनाना है। इस तरह से हमें यू ही बनाकर इस तरह से पैटर्न को कंप्लीट करना है। फिर से यू की तरह पैटर्न बनानी है, फिर थोड़ी कर्व बनानी है, फिर से सेकंड यू, थोड़ी कर्व पैटर्न और फिर से थर्ड। इस तरह से पैटर्न को कंप्लीट करना है। फिर से हम यहाँ पर वैसे ही करेंगे, यू फिर कर्व पैटर्न की तरह, फिर से यू, फिर उसको जॉइंट होकर कर्व पैटर्न और फिर से यू। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, यू की तरह फिर कर्व पैटर्न, फिर यू की तरह फिर कर्व पैटर्न और फिर यू। यहाँ पर भी हमें दो ब्लू लाइन में वैसे ही पैटर्न बनानी है, यू थोड़ी कर्व पैटर्न इस तरह से बनानी है, फिर यू बनाना है, फिर कर्व पैटर्न और फिर से यू। इस तरह से हमें यू की तरह इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। फिर से यू बनाएंगे, फिर कर्व पैटर्न, फिर से वहां से जॉइंट होकर यू, कर्व पैटर्न और फिर से यू। ये फिर से हम बनाएंगे यू की तरह, फिर यहाँ से थोड़ा कर्व बनाकर यू, फिर से यहाँ पर हम यू बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न भी कंप्लीट की और ये पैटर्न भी कंप्लीट की। तो आपको पहले ड्रेस करना है, फिर दो ब्लू लाइन में ही आपको ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी ऑफ पैटर्न्स। देखो किड्स, ये क्या है? क्ले। आज हम क्ले की मदद से हमने जो पैटर्न सीखी थी वो हम एक्टिविटी के द्वारा उस पैटर्न को बनाएंगे। तो हम क्ले से वो पैटर्न बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही क्ले का इस तरह से रोल बनाया है। तो हमने जो पैटर्न सीखी थी वो क्ले में हम करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस तरह से यू, उल्टा यू की तरह पैटर्न बनानी है। देखो इस तरह से, देखो बन गई। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से हमें राउंड लेना है। क्या करना है? राउंड लेना है इस तरह से। फिर हमें फिर से इस तरह से कर्व की तरह उल्टा यू करना है। फिर से हमें यहाँ पर क्या बनाना है, राउंड। तो हमें इस तरह से यहाँ से फिर से सर्कल लेकर इस तरह से यू जैसे टर्न, उल्टा यू की तरह टर्न देना। देख आगे पैटर्न सीखी थी, देखो उसी तरह से हमने क्ले में उस पैटर्न को बनाया। अब हम दूसरी पैटर्न बनाते हैं। तो अब हम फिर से क्ले की मदद से दूसरी पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर देखो मैंने पहले से रोल इस तरह से बनाया, आप भी इस तरह से ही रोल बनाना। फिर हमें इस तरह यू के जैसे
बनाना है इस तरह से। फिर हमें यहाँ से हमें एम की तरह बनाना है इस तरह से। देखो बन गया। फिर से हमें यू बनाना है ऐसे। देखो तो देखो हमने ये दूसरी पैटर्न इस तरह से क्ले की मदद से बनाई। आज हम जो पैटर्न सीखी वो हमने क्ले में सीखी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।